हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने अमेजिंग रेसिपीज में। आज मैं नारियल की चटनी बनाने का सबसे सही तरीका बताऊंगी। इस तरह से चटनी बनाने के बाद आप बाकी सभी तरीके भूल जाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल नारियल का बुरादा, आधा बाउल भुने हुए चने जिसके छिलके मैंने हटा लिए हैं, दो हरी मिर्च ली है और थोड़े से कड़ी पत्ता लिए हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। अब मैंने लिया है मिक्सी का एक जार जिसमें नारियल का बुरादा डाल लेंगे। अब इसमें भुने हुए चने डालेंगे। अब ऐड करेंगे दो हरी मिर्च और चार पाँच कड़ी पत्ता। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैं एक बाउल बटर मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप बटर मिल्क की जगह कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। अब इसी बाउल में पानी लेकर उसे भी ऐड कर लेंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जिससे ये चने और नारियल का बुरादा अच्छी तरह से पानी से ढक जाए और थोड़ा सा ऊपर तक कवर हो जाए। अगर आप चटनी ज़्यादा पतली बनाना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा डाल लें, पर मैं यहाँ पर नॉर्मल चटनी बना रही हूँ इसलिए मैं पानी इतना ही ऐड कर रही हूँ। अब इसे फाइन होने तक मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए ये कितनी टेस्टी लग रही है। टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए तड़का पैन में मैंने लिया है एक चम्मच तेल। तेल गरम करेंगे। गरम तेल में सरसों के दाने डालकर पकाएंगे और गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। इसमें कड़ी पत्ता और दो हरी मिर्च डालेंगे। तेल गरम होने से वो पक जाएंगे। अगर आप फ्लेम बंद नहीं करेंगे तो मिर्च और कड़ी पत्ता जल जाएंगे। अब इस तड़के को चटनी पर लेयर बनाकर डाल लेंगे। ये चटनी साउथ इंडियन डिशेस के साथ या फिर कोई भी रेसिपी के साथ आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।